सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के मैं इस न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर रील्स वायरल कैसे करें। अगर आप भी आप लोग का भी अगर 10 से 15 20 या 100 150 रह जाता है, आप लोग का व्यू अगर जाते जाते रुक जाता है, तो आप ये वीडियो जरूर से जरूर देखेगा। आप लोग को ये वीडियो आप लोग को देखने के लिए आप बहुत जरूरी है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने फोन के इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए अपने फोन के इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना है, मैं आप लोग को दो तीन सेटिंग बताऊंगा, उसको आप लोग को कर लेना होगा ऑन। वो मैं उसके बाद मैं आप लोग को और आपका रील्स वायरल हो जाएगा। और ये आप लोग भी दो तीन गलती अगर किए हुए हैं उसको सुधार दीजिएगा। मैं इस वीडियो में आप लोग को सारा जानकारी दूंगा कि वो है क्या। तो आप लोग अगर रील्स पोस्ट करते हो उससे पहले आप लोग ने अगर यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन नहीं कर रखा है तो मेरे पिछले वाले वीडियो जाके आप लोग देख ले, मैं उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और आप लोग को यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन कर लेना है, जिसमें आप लोग को दिखाएगा कि कितना कितना व्यू आता है, रीच उड़ता है, जिससे आप लोग का अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ आप लोग अर्निंग आएगा इससे। उसके बाद आप लोग को क्या करना है रील्स पोस्ट करने के लिए, आप लोग यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा है उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल कर लेना है और कोई सा भी एक ले लेना है पोस्ट। पोस्ट करने के लिए ले लेते हैं फोटो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे एरो का दिख रहा है ऑप्शन, उस पर कर लेते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को फिर से यहाँ पे जो भी म्यूजिक लगाना है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर सिंपली आप लोग कर देते हैं क्लिक। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आए हैं अपडेट के बाद, ये सब चेंज हो चुका है सेटिंग सब। तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या करना है मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे दो तीन सेटिंग ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे राइट कैप्शन में ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप लोग को हैशटैग डाल देना है। जैसे हैशटैग में आप लोग को क्या डालना है मैं आप लोग को समझाता हूँ। हैशटैग दो तीन आप डाल सकते हैं, वो क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे मैं आप डाल देता हूँ, यहाँ पे वायरल रील्स, यहाँ पे मैं आप डाल के दिखाता हूँ वायरल, और यहाँ पे वायरल रील्स, वायरल वीडियो या वायरल रील्स, यहाँ पे दोनों टैग लेना है आप लोग को। वायरल वीडियो और यहाँ पे दिखाता हूँ वायरल रील्स भी, यहाँ पे वो भी ले लेता हूँ। और यहाँ पे वायरल रील्स भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आप लोग को फिर से एक हैशटैग ले लेना है। और यहाँ पे ट्रेंडिंग वीडियो, जी हाँ गाइस, आप लोग को क्या देना है ट्रेंडिंग वीडियो। तो चलिए यहाँ पे ट्रेंडिंग वीडियो आ चुका है, ट्रेंडिंग रील्स, उस पर सिंपली आप लोग कर देना है क्लिक। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लोकेशन कुछ नहीं देना है। और यहाँ पे टैग पीपल आ रहा है, इस सब का भी कोई यूज़ नहीं है उतना खास। टैग पीपल में उस किसी आप बंदे का आप डाल सकते हैं, वो आप लोग को नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एड पार्टनरशिप लेवल है तो लगा सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर एवरी वन पे क्लिक है मेरा पहले से ही क्लिक है। तो आप लोग को देख लेना है कि क्लोज फ्रेंड नहीं है, इसलिए आप लोग को चेंज करके एवरी वन कर लेना है। उसको आप लोग कर देना है डन। और डन करने के बाद आप लोग को नीचे चले आना। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को बूस्ट पोस्ट, ये सबसे मेन होता है, आप लोग को बूस्ट पोस्ट को कर देना है ऑन। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे मेन सेटिंग था, इसको ऑन कर लेना जरूरी है। उसके बाद आप लोग एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा हाई लाइक एंड व्यू काउंट दिस ऑन दिस पोस्ट, ये आप लोग को ऑन कर लेना है। मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ये क्यों करना है। ये इसलिए आप लोग को करना है क्योंकि आप लोग का दूसरे बंदा आप लोग का अगर लाइक नहीं देखता है, अगर लाइक नहीं दिखता है तो आप लोग का लाइक करके जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दिखता नहीं है कि वो कितना लाइक है। यहाँ पे एक दो लाइक दिखेगा नहीं, इसलिए वो बंदा लाइक करके जाएगा। इसलिए आप लोग को ये सेटिंग ऑन कर लेना है। उसके बाद आ जाना है आप लोग को बैक। उसके बाद बैक आने के बाद आप लोग यहाँ पे रील्स का, उसके बाद पोस्ट का, यहाँ पे एडो का ऑप्शन आ रहा है, उस पर सिंपली आप लोग को कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे टर्न ऑन सेटिंग बोथ स्टोरी एंड पोस्ट, ये आप लोग को कर लेना है। आप लोग को जो सेटिंग करना है, अगर आप लोग यहाँ से दूसरे अकाउंट में भी पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग शेयर करके पोस्ट कर सकते। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कर देना है पोस्ट। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये हो चुका है पोस्ट। और देखिएगा यहाँ पे कुछ ही सेकंड में यहाँ पे व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग व्यू लाने के लिए आप लोग ये सब सेटिंग ऑन करके कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।